मैं तुम्हें कड़क वार्निंग दे रहा हूं। सीमा बेटी को जो लड़का देखने आने वाला था वो आ चुका है, लेकिन तुम छोटे छोटे लोग उनके सामने नहीं आना। चोपड़ा पैलेस के साथ साथ मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, समझे? और आज एक खास चाय बनेगी, खास मौकों पर खास चाय, जिसे पीकर लड़का शादी के लिए फौरन हाँ कर देगा। और वो चाय मैं बनाऊंगा। बाबूलाल, कभी तुम्हारे बाप ने भी चाय बनाई? बाप का नाम मत ले, वो तो कॉफी बनाते थे। तो पिलाओ। हाँ, आज मैं केसर वाली चाय बनाऊंगा। ये केसर नहीं, हल्दी है। तुझे बड़ी जल्दी है चुब्बे मोटे। तो इसमें अरे यहाँ गड़बड़ सड़बड़ कही रहा है, वहाँ मेहमान चाय की खातिर बैठे हैं। देखो मदन जी, मारो एक को एक को छोरो है, मारो जो कुछ भी है सारो इसको ही है ना। मारी तीन फैक्ट्री है, उसमें सारो प्लास्टिक को सामान बने हैं। कभी डब्बा बाल्टी और टम्बलर की जरूरत होवे नाने के लिए तो मैंने बोल दीजो फटाफट। बाबूला रुक जा। ए चुप, और खबरदार तो लोग बाहर आना नहीं, समझे? तालियां। हाँ, ये उबला हुआ पानी लेके गए, चाय पत्ती तो डाली नहीं, ऊपर से पानी में नमक डाल दिया। मारो छोरो है। एक को एक है। सिंगानिया साहब का फोन आया है। एक्सक्यूज मी, आप लोग चाय पीजिए, मैं अभी आता हूँ। जाओ भाया, धंधो पहले। अरे सिंगानिया साहब को बाल्टी और टम्बलर की जरूरत हुए तो मारो नाम सजेस्ट कर दीजो, चाय बना फटाफट, सब कुछ अपना ही है। अरे मारो छोरो, अमेरिका से पढ़ के आयो है, मर्जी हो गए तो अंग्रेजी में बात करके खातरी कर लियो फटाफट। मारो छोरा, मारो गलूड़ियो, मारो कुरकुरियो। क्या है? इसमें तो चाय की पत्ती नहीं है। अरे बड़े लोगों की चाय ऐसी ही होती है, पीजा फटाफट। आओ भाया, आओ। अरे भाई, आप लोगों ने चाय वाय पी कि नहीं? अरे भाया, आपके घर की चाय तो अमृत है, अमृत। क्यों बेटा?